देखिए आपका इंजन चल रहा है यानी कि आपका गाड़ी चल रहा है और जो सेंसर है जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि अल्कोहल आपने कर रखा है, आपने ड्रिंक कर रखा है, तब क्या होगा, ये अपना आप इंजन को बंद करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हाथ में थोड़ा सा अल्कोहल लगा हुआ है, जैसे मैं इसको इसके सामने लेके आता हूँ अभी मैं लेता हूँ एक रिले जो कि एक 5 वोल्ट का रिले, आप यहाँ पर 12 वोल्ट का भी रिले यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक 1N4007 का एक डायोड जिससे हम कनेक्शन करने वाले हैं रिले के अक्रॉस पर। और अभी हम लेंगे एक BC557 का एक PNP ट्रांजिस्टर। तो अभी इस ट्रांजिस्टर का जो कि कलेक्टर पिन है उसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस ट्रांजिस्टर के कैथोड टर्मिनल पर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक 470 ओम का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप 1 किलो से लेकर के 10 किलो ओम तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद हम लेंगे एक MQ का एक सेंसर। तो यहाँ पर आपको 4 टर्मिनल मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका VCC, ये है आपका ग्राउंड यानी कि जहाँ पर आपको नेगेटिव सप्लाई देना है, और ये इसका डिजिटल आउट, ये आपका एनालॉग आउट। तो हमें यहाँ पर 3 टर्मिनल का इस्तेमाल करना है, VCC, GND एंड DO का। तो अभी इस सेंसर का जो पॉजिटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल पर। सेंसर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस डायोड के NO टर्मिनल पर। अभी इस सेंसर का जो डिजिटल आउटपुट टर्मिनल है ये वाला, इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस ट्रांजिस्टर पर। और अभी मैं यहाँ पर LED ले रहा हूँ जो कि हमारा इंडिकेटर की तरह पर काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 LED को सीरीज पर कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये निकलता है इसका पॉजिटिव और ये निकलता है इसका नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव है मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ रिले का जो NO टर्मिनल है, ठीक है, जो कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल है ये वाला। तो इस साइड में इसको कनेक्शन कर देता हूँ। तो हमने पॉजिटिव को कनेक्शन कर दिया है, तो बाकी बचा हमारा नेगेटिव। तो इसको अभी हम बाद में कनेक्शन करने वाले हैं। तो पहले हम LED को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा हॉट ग्लू की मदद से। तो दोस्तों अभी मैं ले रहा हूँ एक बोजर जो कि यहाँ पर अलार्म की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पर है 2 टर्मिनल, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इस प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्विच ले रहा हूँ। ये एक ऑन ऑफ के लिए हमने एक स्विच यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 6 टर्मिनल निकला हुआ है। कितना है? 6 टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो बीच वाला 2 है ये इसका इनपुट है और ये जो साइड में आता है ये इसका आउटपुट है। तो हमने यहाँ पर 4 टर्मिनल का इस्तेमाल कर रखा है, इन दोनों को छोड़ दिया है। ठीक है, इन ये दोनों और ये दोनों को हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 बैटरी का कनेक्शन करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो सेंसर है उसके लिए 1 बैटरी और जो मोटर है उसके लिए अलग सा 1 बैटरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 1 बैटरी का पॉजिटिव को यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है और 2 बैटरी के पॉजिटिव को यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इस बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट निकलेगा और इस बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट आपका निकलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा स्विच में से 2 पॉजिटिव निकल करके आया है। ठीक है, तो 1 के पॉजिटिव को मैं कनेक्शन कर देता हूँ रिले के कॉमन टर्मिनल पर और 2 के पॉजिटिव को मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस ट्रांजिस्टर का जो कि आपका एमिटर टर्मिनल है वहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों अभी देखिए जिस बैटरी के पॉजिटिव को हमने सेंसर पर कनेक्शन किया है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव है इसको मैंने सेंसर पर कनेक्शन किया है। तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस बैटरी के टर्मिनल है। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर हमने सेंसर के नेगेटिव को कनेक्शन कर रखा है। दूसरे वाले बैटरी का जो नेगेटिव है इसको हमें कनेक्शन करना होगा, ये जो LED का नेगेटिव और जो बोजर का नेगेटिव, इन दोनों पर। और अभी मैं ले रहा हूँ एक DC गियर मोटर जो कि यहाँ पर एक इंजन के तौर पर काम करने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा इंजन काम करता है उस तरह ये भी यहाँ पर हम इसको इंजन के तौर पर एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस मोटर को यहाँ पर इस तरह से फिक्स करना है। ठीक है, तो फिक्स करने में एक प्रॉब्लम आपको आएगा, क्या है वो देख लीजिए कि इसके नीचे आपको इस मोटर का शाफ्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से फिक्स कर दोगे तो जो शाफ्ट है ये यहाँ पर दब जाएगा जिसकी वजह से मोटर नहीं घूमेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का वाशर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी वजह से क्या होगा, जो शाफ्ट है ये यहाँ पर रह जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं इस वाशर को यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ और अभी हम अपने मोटर इसके ऊपर फिक्स करने वाले हैं। तो अभी इस मोटर का जो पॉजिटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ रिले का जो कि NC टर्मिनल है। इस मोटर का जो नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ बोजर के नेगेटिव पर। मैं कार के स्टेयरिंग की जगह पर इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि एक स्टेयरिंग की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा फिक्स कर लेते हैं।
इसमें अपना जो सेंसर है इसको मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। जो कि करने से पहले इस सेंसर का जो कि सेंसिटिविटी है उसको आपको यहाँ से सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रीसेट है तो आपको एक छोटा सा स्क्रूड्राइवर की मदद से इसको यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जब भी ग्रीन लाइट जलता है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी है, जब भी ग्रीन एलईडी ऑन होता है तब क्या करिए, फिर से इसको उसके ऑपोजिट में घुमाएं। तो जब जिस पॉइंट पर वो एलईडी ऑफ हो जाएगा बस छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद ये अपना आप काम करने लगेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल की जगह पर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ सैनिटाइजर, कि आपको पता है सैनिटाइजर में अल्कोहल भी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका इंजन यहाँ पर अभी चल रहा है, ओके, और मैंने हाथ पे थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया है। तो जैसे ही मैं अल्कोहल इसके सामने अभी लेके आता हूँ तो देखिए ये अभी इंजन बंद हो जाएगा। जैसे इसने अल्कोहल को चेंज किया तब क्या हुआ, इंजन बंद हो गया और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ऑन हो गया और जो बॉजर है ये ऑन हो गया, ठीक है। और कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे ही इसके आसपास का जो कि अल्कोहल ये ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, ये सेंसर डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो इंजन है ये फिर से चलने लगेगा, ओके। और अगर फिर से ये अल्कोहल को चेंज करता है, ठीक है, तो देखिए जैसे इसने अल्कोहल को सेंस किया तब क्या हुआ, इसने फिर से इंजन को ऑफ करवा दिया और यहाँ पर अलार्म और इंडिकेटर को भी ऑन करवा दिया, ठीक है। और कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे इसके आसपास का अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, फिर से अपने पुराने कंडीशन में आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से काम करता है, ओके। तो आशा करते हैं आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे आप बनाइए, अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपसे बातें कर लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।